नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी 360 में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टैंड स्टिल थ्योरी, देखिए पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी जो सबसिस्टेंस थ्योरी है डार्विन का, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। स्टैंड स्टिल थ्योरी दिया गया था मुर्रे जी के द्वारा, और उन्होंने ये चीज़ 1880 में अपने द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स नाम की जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था। एक्चुअली देखो, उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था 1872 से 1876 में, जो है चैलेंजर एक्सपीडिशंस कैरी आउट की गई थी, राइट। तो उस एक्सपीडिशन के दौरान जो है बहुत कुछ अंडरसी के रेवलेशंस जो है उन्हें प्राप्त हुए थे, तो उसी के आधार पर उन्होंने ये थ्योरी रखी थी, जिसमें उन्होंने बोला था, देखो भैया जैसे डार्विन जी ने मतलब उन्होंने क्या बोला था, दैट लैंड जो है सबसाइड कर रही है ना, उसके आधार पर उन्होंने बोला था दैट कैसे कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। इन्होंने सबसिस्टेंस का कोई एज सच बोला नहीं, इन्होंने बोला था देखो भाई लैंड सबसाइड नहीं करता है, बल्कि लैंड जो है एक स्टैंड स्टिल पोजिशन में रहता है। और उन्होंने ये बोला दैट कोरल पॉलिप्स जो होते हैं ना, वो अप टू 180 फीट तक जिंदा रह सकते हैं। 180 फीट मतलब 30 फैदम, ठीक है। सो कोरल पॉलिप्स जो है 30 फैदम्स तक जिंदा रह सकते हैं, एंड सी लेवल्स एंड सबमरीन प्लेटफॉर्म्स जो है ये रिस्पेक्टिवली स्टेबल होते हैं। जैसे डार्विन ने बोला था दैट वो आपका जाके सबसाइड करते हैं, तो इन्होंने बोला दैट देखो भैया ये सब जो पोजीशन होते हैं ये स्टेबल होते हैं। इनफैक्ट इन्होंने मान्यता लिया ये जो 180 फीट है ना, दैट इज 30 फैदम या फिर 180 फीट जो भी याद रखिए, तो इन्होंने बोला दैट 30 फीट के अबव, जैसे सोचो ये सी लेवल है राइट, तो ये सोचो 30 फीट है ना, ये सोचो 30 फीट या सॉरी 180 फीट या फिर 30 फैदम है ना। सो 180 फीट के अबव अगर कोई सोचो इतना बड़ा लैंड मास है, तो वहां पर जो है वो वैक्यू की वेव्स चलती रहती है ना वाटर की, और इसलिए इसको इरोड करेगी है ना। मतलब 180 के लेवल का जो ऊपर वाला जो लैंड मास रहेगा वो इरोजन होगा वहां पर, और वैसा लैंड मास जो कि 180 फीट के बिलो होगा वहां पर डिपोजिशन होगा। ऐसा कहना था मुर्रे जी का अपने स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ के में, ठीक है। इन्होंने बोला दैट आफ्टर गेटिंग सुटेबल फाउंडेशन पॉलिप्स बिगन टू ग्रो, मतलब वही है 180 फीट को ही इन्होंने सुपर आई मीन सुटेबल फाउंडेशन माना, और बोला दैट अगर पॉलिप्स को इस टाइप के सुटेबल फाउंडेशंस मिल गई जहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सकती है, तो इनका ग्रोथ हमें दिखने को मिलता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। और देखो लेटर लेटर इट ग्रोज आउटवर्ड एज वेल। पहले तो देखो जैसे ये कोस्ट है, जैसे ये सोचो कोस्ट है ना, यहाँ पर नदी है ना, सोचो है ना, तो यहाँ पर एक सबमरीन प्लेटफॉर्म है ना, तो वो जो ग्रोथ होगा ना, या फिर सोचो इतना बड़ा सबमरीन अगर प्लेटफॉर्म है ना, ये पूरा सबमरीन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगा पहले इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसके बाद इस डायरेक्शन में भी होता है, मतलब इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो पहले जो है इस डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा, लेटर जो है बाकी वाले इस डायरेक्शन में भी ग्रोथ करना ये स्टार्ट होगा, और ये जो है ग्रोथ जो है हमें कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलता है। पहले इनिशियल फेज में तो ये फ्रिंजिंग रीफ बनेगा, जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ का हम लोग कॉन्सेप्ट को पता भी है, जैसे ये अगर लैंड मास है तो फ्रिंजिंग रीफ कुछ ऐसा बनता है राइट, पहले फ्रिंजिंग रीफ बनेगा, बाद में जो है ये चेंज हो जाता है टू द बैरियर रीफ, जहां पर बीच में जो है लगूंस का भी फॉर्मेशन हो जाता है बिटवीन द लैंड एंड दिस बैरियर रीफ। क्यों? क्योंकि लगून का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेड मटेरियल भी रहते हैं कोरल्स के, जो क्या डिसोल्यूट हो जाते हैं, इसीलिए इनका फॉर्मेशन हमें वहां पे देखने को मिलता है। ऑलराइट ना, दूसरा है अटोल्स का जो फॉर्मेशन होता है ये इसलिए होता है, मतलब देखो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रिंजिंग रीफ, उसके बाद बैरियर रीफ, उसके बाद अटोल रीफ, क्योंकि तीनों जो है ये कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन होता है राइट। अब अटोल जो फॉर्म होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि कोरल का जो है ना और भी ज्यादा आउटग्रोथ हमें दिखने को मिलता है। जैसे सोचो अगर यू नो सबसाइडेड लैंड मास में अगर कोरल होती है राइट, तो ऑफकोर्स पहले जो है ये ऊपर भागेगी राइट, उसके बाद जो है ये एकदम साइड की तरफ भागने लगेगी है ना, तो बाद में जो है ये अटोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो अटोल होता है वो एक रिंग बना लेता है, इस टाइप से कुछ रिंग बना लेगा, देख रहे हैं जहां पर ये वाला जो रिंग देख रहे हो, ये वाला जो है वाटर लेवल के या फिर वाटर लेवल या फिर वाटर लेवल के थोड़ा नीचे होगा है ना, बहुत शैलो होगा, और बीच में जो है ये लगून बना रहेगा। क्यों बीच में लगून रहेगा? क्योंकि बीच में जो है ना जो कोरल्स जो डेड हो जाती हैं
वो कोरल्स हमें देखने को मिलेगी बीच वाले साइड में। और सी वॉट साइड जो है, ये वाला साइड, यहाँ पे जो है कोरल्स एक्सपैंड करता है, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन, यहाँ पे जो है कोरल्स का एक्सपेंशन हमें बहुत तगड़े तरीके से देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है यहाँ पर कोरल्स जो है डेड कर जाती है, और कोरल्स जो है ग्रेजुअली डिसॉल्व कर जाती है, जिसके कारण वहाँ पर लगूंस और भी ज़्यादा वाइडन हो जाती है। यहाँ पे देखो, जैसे कोरल डेड करती है तो वो डिसॉल्व करती है इस रीजन में, इसलिए ये लगून जो है और भी फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है, ठीक है। और लगूंस का जो डेप्थ होता है ये रिस्पेक्टिवली शैलोअर होता है, ये जो ज़्यादा डीप नहीं होता, क्यों? क्योंकि बीच बीच में ऐसा भी हो जाता है, बाई चांस सोचो यहाँ पर अगर लैंड मास हुआ होगा, राइट, तो उस लैंड मास के समय जो है बहुत समय डिपॉजिट्स भी कुछ कुछ आते हैं। और ऐसा यहाँ पे अटोल्स का अगर हम लोग बात करें तो अटोल्स में तो लैंड मास हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ अटोल्स में क्या होगा ना, दैट सोचो बीच में भी तो लैंड मास कभी हो सकता है ना, वो भी तो अटोल्स होता है ना, एक फॉर्मेशन टाइप अटोल्स वाला। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है कोरल्स आइलैंड के बारे में पूरा इनडेप्थ एनालिसिस किया था अपने जो ओशनोग्राफी वाले चैप्टर में, आपने वो अगर नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया, दैट बीच बीच में जो यहाँ पे कोरल जो डेड कर जाती है ना, उन डेड कोरल के डिपोजिशन के कारण भी जो है लगून जो है रिस्पेक्टिवली शैलोअर रहता है। अब अगर इस थ्योरी का इवैल्यूएशन करें तो पहले तो फेज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बट लेटर फेज में इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। कैसे कैसे क्रिटिसाइज किया गया था चलो देखते हैं। देखो पहले तो इन्होंने, इन क्रिटिसिज्म था दैट, देखो भैया आप जो बोल रहे थे दैट 180 फीट, यही ना आपने लिया, या फिर 30 फैदम, यही तो आपने, आपको स्टैंडर्ड चीज लिया, बट क्या ये पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे सबमरीन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो, क्या आई मीन, सब सबमरीन प्लेटफॉर्म तो आपको 180 फीट में नहीं मिलता है ना भाई। आपने ठीक है चैलेंजर एक्सपीडिशंस के दौरान जो आपने आपने जो रिपोर्ट दिया उसका शायद आपने एवरेज निकाल सकते हैं 180 फीट, बट दिस डजंट हैपन्स एट एवरी टाइम जो है आपका सी लेवल से 180 फीट के नीचे तक ही आपको सबमरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा, राइट। तो उस सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर 180 फीट के नीचे में भी या फिर ऊपर में के बाद भी जो है इरोजन नहीं हुआ इस प्लेटफॉर्म का, और यहाँ पर हमें प्रॉपर कोरल का डिपोजिशन देखने को मिलता है, कोरल पॉलिप्स का एग्लोमरेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगेन पहला तो ये खत्म हो गया। दूसरा इन्होंने बोला था, देखो आप तो खुद अपने व्यूज में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो दैट 180 फीट में जो है इसके थोड़ा भी ऊपर होने से यहाँ पे इरोजन होगा और थोड़ा नीचे होने से यहाँ पे डिपोजिशन होगा। यार ये कैसे हो सकता है, मतलब लाइक एक ही टाइम में एक ही पोजीशन में कभी का डिपोजिशन या फिर आई मीन इरोजन हो सकता है, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट। दूसरा लिमिट ऑफ 30 फैदम, ये जो आपने बोला ये किस क्या चीज स्टडी करके, ठीक है आपने जो चैलेंजर एक्सपीडिशंस के उसके भी तो एवरेज ही ना निकाला होगा यार, अगर निकाला भी होगा तो, बट इसका कोई प्रॉपर एविडेंस या फिर प्रॉपर जो है कुछ ऐसा थ्योरी नहीं है जो क्या बताता है दैट हाँ भैया 30 फैदम डेप्थ के बाद ही जो है कोरल का ग्रोथ हमें देखने को मिलता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ लगून फॉर्मेशन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डेड कोरल जो है, ये आप जो बोल रहे हो लगून इसलिए फॉर्म होती है क्योंकि कोरल जो है डेड कर जाते हैं, ये मुर्रे जी बोल रहे थे अपने स्टैटिस्टिकल थ्योरी से, बट इस लगून फॉर्मेशन का तो और भी अलग अलग रीजन है। सोचो यहाँ पर जो है एक अटोल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना दैट इससे जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, राइट। तो उन सेडिमेंट्स के कारण भी तो इसका जो डेप्थ होता है लगून का वो भी तो शैलो हो सकता है। तो बट आपका जो सिर्फ कहना है दैट डेड कोरल्स के कारण ही जो है सोल्यूशन, ये सोल्यूट आई मीन ये जो है वहाँ के साथ सोल्यूशन हो जाता है, तो दिस सिंगल थ्योरी इज समवेयर और द अदर क्वेश्चनेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ सबमरीन प्लेटफॉर्म्स आर स्टेबल लगून्स आर कंप्लीटली फिल्ड अप, ऐसा कहा गया था इनके द्वारा दैट अगर सबमरीन प्लेटफॉर्म्स जो है वो स्टेबल रहती है तो लगून्स फिल्ड अप हो जाएंगी विथ, मतलब इन आई मीन ये क्रिटिसिज्म पॉइंट है, ठीक है माफ कीजिएगा, विथ मरीन सेडिमेंट्स, जी हाँ है ना, मरीन सेडिमेंट्स भी आकर जो है कभी लैंड के एरिया से जो है इस लगून्स को और भी ज्यादा आपका जाके फिलअप कर देती है, राइट। तो उस सिचुएशन में अगर फिलअप सोचो लगून से फिलअप करते रहेगी करते रहेगी करते रहेगी, तब तो ये आपका जो बीच में जो लगून है वो तो लगून भर जाएगा है ना, बट अभी भी लगून क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? इसका मतलब ऐसा होता होगा दैट शायद लैंड मास जो है वो सबसाइड कर रहा होगा, समझ लो बात। तो अगेन ये जो पॉइंट है ये बेसिकली आपका डार्विन का थ्योरी से यहाँ पे इंक्लूड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला दैट मतलब पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है दैट कोरल रीफ्स आर आल्सो फाउंड बियॉन्ड 180 फीट, जो कि मैंने यहीं पर आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द क्रिटिसिज्म पॉइंट जिसके थ्रू आप इस चीज को इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। तो
इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।